Yes. Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today we will discuss chapter number 7, that is MV chapter. Chapter name is character. Okay, so let's start. We all are different from one another. Hum sab ek dusre se kya hain? Different hain. The qualities we possesses, our appearance, the dress we wear and so on help to identify each of us. Okay, so इस sentence का क्या meaning है कि जो qualities हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे जो character हैं, qualities हैं, गुण हैं हमारे, our appearance यानी कि हम कैसा दिखते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, okay, ये सब हमें help करते हैं दूसरों से अलग दिखने में. The sum total of the qualities we possesses फॉर्म आर कैरेक्टर. और इसी तरह इन सभी क्वालिटीज को मिलाकर हमारा कैरेक्टर या चरित्र बनता है. ओके, कैरेक्टर को चरित्र कहते हैं हिंदी में. वी ऑफ्टन हियर पीपल स्पीक ऑफ अ बॉय और अ गर्ल एज पजेसिंग गुड कैरेक्टर. हमने अक्सर सुना है लोगों को कहते कि वो किसी लड़का या लड़की के गुड कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं. We have different qualities in us. और हम सब में अलग अलग qualities हैं. Okay, हम सब एक दूसरे से different हैं. Some of them include honesty, sincerity, loyalty, hard work, obedience and self-control. और उनमें से कुछ qualities हैं, honesty means ईमानदारी, okay, sincerity, लॉयल्टी, हार्ड वर्क यानी कि हम बहुत क्या करते हैं, मेहनत करते हैं कुछ लोग, ओके, ऑबिडियंस मीन्स वो आज्ञाकारी होते हैं, एंड सेल्फ कंट्रोल मीन्स उनका अपने आप पे जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है. ओके, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल में हो सकती हैं. सम पीपल हैव मोर गुड क्वालिटीज देन अदर. और कुछ लोगों में दूसरे लोगों से कुछ अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं. A person is distinguished by the qualities he or she possesses or his or her character. तो इसी तरह से जो एक person है वो अपनी qualities के through क्या किया जा सकता है, दूसरों से भिन्न होता है, अलग होता है. okay, जो भी उनके character में qualities हैं, she और he means कोई लड़का या लड़की जो भी हैं, वो अपनी qualities के through दूसरे people से different होते हैं. okay. Someone who possesses several good qualities is said to have good character. और ऐसा कोई जिसमें बहुत सारी अच्छी qualities हैं, अच्छे गुण होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसका जो character है, चरित्र है, वो कैसा है, अच्छा है. Someone who possesses few good qualities is said to have a bad character. और ऐसे लोग जिनमें कुछ अच्छी qualities होती हैं, okay? तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि उनका जो character है वो कैसा है, bad character है. When we think of a person, we think of the qualities he or she possesses. तो जब भी हम किसी person के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हम उसके अच्छे गुणों के बारे में सोचते हैं. okay? उस person में क्या अच्छे गुण हैं, हम उन qualities के बारे में सोचते हैं. We judge the person either as a good character, good or as a bad character. हम किसी भी person को कैसे जज करते हैं, means हम कैसे उसकी जो qualities हैं उसके based पर उसे good character या फिर उसका character bad है, ये हम उसे judge करते हैं. Good habits help us to form good characters. अच्छी जो आदतें हैं वो हमें अच्छा चरित्र बनाने में हमारी help करती हैं. Keeping the company of good friends also help to form good character. और अच्छे लोग, अच्छे जो दोस्त हैं, ठीक है, उनके साथ अगर रहते हैं, उनकी संगति में आप रहते हैं, तो भी आपको अच्छा चरित्र बनाने में मदद मिलती है, हेल्प होती है. The greatest strength of a person is character. किसी भी व्यक्ति का जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका कैरेक्टर या उसका चरित्र ही होती है. That is why it is said that if character is lost, everything is lost. इसलिए ही कहा जाता है, एक कहावत है कि यदि हमने अपना चरित्र खो दिया है, अपना कैरेक्टर खो दिया है, तो हमने सब कुछ खो दिया है. ठीक है, people of character always stand out. okay, तो जो person है, लोग हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं. जो अच्छे चरित्र के लोग हैं वो हमेशा स्टैंड आउट करते हैं, मीन्स कोई भी उन्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकता. ओके,
दे आर एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, और हर जो भी व्यक्ति है उनकी क्या करता है, सराहना करता है, उन्हें एप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ की जाती है. ओके, दे ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिली एंड सोसाइटी. वो अपने परिवार और समाज के लिए क्या लेकर आते हैं, ग्लोरी लेकर आते हैं. ओके, अच्छी खुशियां लेकर आते हैं. दे आर द वेल्थ ऑफ अ नेशन, और वो अपने राष्ट्र के लिए वेल्थ के समान है. वेल्थ मीन्स धन के समान. जिस तरह हम मनी को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, मनी है जो धन है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, उसी तरह जो गुड कैरेक्टर के लोग हैं वो भी एक नेशन के लिए वेल्थ के समान होते हैं. ठीक है, वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छे वर्क करते हैं, एंड एक कोई भी जो कंट्री है वो वहां के लोगों के गुड कैरेक्टर की वजह से जानी जाती है. ठीक है, तो ये कंट्री के लिए वेल्थ की तरह होते हैं. द नेशन सर्वाइव बिकॉज ऑफ पीपल हु पोजेसिव गुड कैरेक्टर, और जो एक देश है, एक कंट्री है, वो इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से, अच्छे चरित्र वाले जो लोग हैं उन्हीं की वजह से जो वर्ल्ड है या दुनिया है वो सर्वाइव करती है. पीपल विद बैड कैरेक्टर आर अ कर्स टू द वर्ल्ड, और जो बुरे कैरेक्टर वाले, बुरे चरित्र वाले जो लोग हैं वो दुनिया के लिए एक अभिशाप की तरह हैं. दे डू अ लॉट ऑफ हार्म, वो बहुत सारा क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. ओके, अपने देश को, अपनी वर्ल्ड को. दे मे बी कंसिडर्ड टू बी द एजेंट्स ऑफ द डेविल, और उन्हें शैतान के एजेंट के रूप में माना जाता है. ठीक है, कि जो शैतान है वो खुद धरती पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो बुरे चरित्र वाले, बैड कैरेक्टर वाले लोगों को दुनिया में भेज दिया है उन्होंने. ठीक है, तो उनके एजेंट की तरह उन्हें माना जाता है. A person with good character will naturally possesses several qualities. और एक जो अच्छे चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है उसमें अपने आप, ठीक है, उसमें अपने आप स्वाभाविक रूप से वो कई गुणों का, कई qualities उसमें होंगी. ठीक है, he or she will be honest and sincere. वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, male female, तो वो जो भी होगा वो बहुत ही ईमानदार होगा, and sincere होगा, means honest होगा, obedient होगा. ठीक है, दूसरों की help करने वाला होगा. He or she will never do anything that is dishonest or dishonorable. वो ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो कि बेईमानी से भरा हो या फिर वो दूसरों के लिए dishonorable हो. ठीक है, दूसरों को वो क्या करे, दूसरों का सम्मान नहीं करे वो. ठीक है, वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं. Such a person is not selfish but will think of others and help them. ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वार्थी नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों के बारे में और उनकी हेल्प करने के बारे में सोचते हैं. A person with good character will be a person of principle. एक जो good character, अच्छे चरित्र, अच्छे character का जो व्यक्ति होगा वो अच्छे सिद्धांत भी होंगे उसमें. ठीक है, वो बहुत ही अच्छे सिद्धांतों वाला व्यक्ति होगा, means वो जो भी अच्छी बातें होंगी उन्हीं को follow करेगा. Nothing can keep him or her from the correct path. Okay? तो उस कुछ भी उसे सही रास्ते से दूर नहीं ले जा सकता. ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि उन्हें करेक्ट पाथ से कहीं दूर ले जा सके. Each one of us should try to build our character. हम सभी को अपना चरित्र बनाने की, अपना जो कैरेक्टर है उसे बिल्ड करने की, बनाने की कोशिश करनी चाहिए. Now is the right time to do it. और ये बिल्कुल सही समय है इस चीज को करने के लिए. The little things we do play a great role in character formation. छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं वो हमारा character formation करने में, हमारा चरित्र बनाने में बहुत ही बड़ा रोल निभाती हैं. ठीक है, एक महान भूमिका निभाती हैं. If these little acts are neglected, our character may be malformed. अगर हमारा हम इन छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, इनको नेग्लेक्ट करते हैं, इनकी उपेक्षा करते हैं, तो जो हमारा चरित्र है वो भी मैलफॉर्म्ड में अच्छा नहीं बनेगा. ओके, जो हमारा कैरेक्टर है उसका भी गुड जो कैरेक्टर है हमारा वो नहीं बन पाएगा. वंस दिस हैपन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज आर कैरेक्टर. और एक बार अगर ऐसा हो गया कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बैड कैरेक्टर में काउंट हमें करने लगे हैं अगर लोग, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम अपने कैरेक्टर को, चरित्र को चेंज कर सके, मीन्स उसे अच्छे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सके. ये इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा.
If a student is identified as a bad character, people will avoid him or her. और इसी तरह कोई भी जो student है, विद्यार्थी है, अगर उसके character को बुरे character के रूप में identify किया जाता है, तो जो लोग हैं, वो उसे क्या करने लगते हैं? Avoid करने लगते हैं, ठीक है? Means उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, वो उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें avoid करते हैं. He or she will not be accepted even if he or she changes. और अगर आप बदल भी जाते हैं, ठीक है, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और आप बदल भी जाते हैं, फिर भी वो आपको स्वीकार नहीं कर पाते हैं. ओके, वो अपने माइंड में, बिकॉज वो आपका जो कैरेक्टर था उसे एकदम सेट कर चुके हैं कि आप बैड कैरेक्टर के पर्सन हैं. फिर अगर आप कोशिश करके, ट्राई करके अपने कैरेक्टर को गुड कैरेक्टर बना भी लेते हैं, तो भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. हैंस इट इज नेसेसरी दैट वी क्रिएट अ गुड रेपुटेशन फॉर आवर सेल्फ. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए एक अच्छी रेपुटेशन या अच्छी प्रतिष्ठा बनाए अपने आप के लिए, ठीक है, ताकि लोग हमें भी रिस्पेक्ट दें, हमसे बात करना पसंद करें, हमारे फ्रेंड बनना पसंद करें. इट इज इवन मोर नेसेसरी टू मेंटेन दिस रेपुटेशन थ्रू आर कैरेक्टर. और हमारी ये जो रेपुटेशन है, ये जो हमारी हमने इमेज बनाई है दूसरों की नजरों में, इसे मेंटेन करना और भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो अपने गुड कैरेक्टर के थ्रू हम इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, हमारी रेपुटेशन को, हमारी जो इमेज है दूसरों की नजरों में, हम वो हमें कैसा समझते हैं, तो इसे हम अपने रेपुटेशन या इमेज कहते हैं. तो इसे हम अपने कैरेक्टर के थ्रू मेंटेन करना कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Our parents, teacher and even our friends can help us develop good character. हमारे parents, माता पिता, हमारे जो शिक्षक हैं और हमारे friends, हमारा good character develop करने में हमारी help कर सकते हैं. Above all, we must ask for God blessing to have good character. Okay? और सबसे बढ़कर हमें भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए. किसके लिए? फॉर आर गुड कैरेक्टर, कि हमें अच्छा चरित्र हो, हमारा अच्छा कैरेक्टर हो, इसके लिए हमें भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए. द ग्रेटेस्ट पोजेशन ऑफ अ पर्सन इज हिज और हर कैरेक्टर. तो किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा जो अधिकार है, ठीक है, वो क्या है? उसका चरित्र ही है. ओके, तो इसलिए हमें अपने गुड कैरेक्टर को फॉर्मेशन करना चाहिए. उसके लिए हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं. ओके, और अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो भी हमारा कैरेक्टर अच्छा बनेगा. सो हियर आवर चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड. ओके.